शोधकर्ताओं के अनुमान के मुताबिक एक इंसान मैक्सिमम 150 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसके बाद आपकी बॉडी आपको जवाब देना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अनुमान जिसे इतनी बड़ी आबादी में एक दो लोग ही टच कर पाते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि इस दुनिया में हर जीव की एक एज लिमिट होती है। लेकिन मछलियों का क्या, क्योंकि ये तो आधी बॉडी के साथ भी कई दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। लेकिन मछली होना इन मछलियों के लिए इतना ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर दूसरा जानवर इन्हें खाना जो चाहता है। यहाँ तक कि हम इंसान भी मछलियों को बड़े चाव से खाते हैं। चलो हम इंसान तो इन्हें पकड़कर पूरा खा जाते हैं, लेकिन बड़ी मछलियाँ जो छोटे मछली को खाती है वो कभी कभी इन्हें आधा ही खाकर छोड़ देती है। जैसे कि इस मछली को एक मछुआरे ने थाईलैंड में पकड़ा था, जिसकी आधी बॉडी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये मछली जिंदा थी। और आपको यकीन नहीं होगा, पकड़े जाने के बाद भी ये मछली 6 महीनों तक जिंदा रही, और इस मछली को देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ रोज उस शख्स की शॉप में आने लगी। लेकिन ये कैसे मछली आधी बॉडी के साथ जिंदा रह लेती है? तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो समुद्र का खारा पानी होता है, ये मछलियों के जख्म भरने में उनकी मदद करता है। और पहले के समय साल्ट वाटर इंसान भी जख्म पर लगाया करते थे। बस खारे पानी की यही दिक्कत होती है कि ये जख्म भरने के साथ साथ इससे बॉडी में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि एक ताजे जख्म से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मछलियों की लंबी उम्र इन्हें इन इन्फेक्शन के बाद भी जीने में मदद करती है। अगर आपको नहीं पता कि मछली कितने साल तक जिंदा रह सकती है, तो बस इस मछली को जानिए दोस्तों। ये है ग्रीनलैंड शार्क, जो कि पूरे 500 साल तक जिंदा रहती है, और इन शार्क के मां बनने की उम्र ही सिर्फ 150 साल पर आती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल बात है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे घिनौने जीवों में से एक कॉकरोच की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये ऐसे जीव हैं जिन्हें गंदगी में रहना पसंद होता है, और एक अकेले ऐसे भी जीव हैं जो न्यूक्लियर वॉर को भी आराम से झेल सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी है कि ये अपने सर के बिना भी कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। लेकिन कैसे, तो इसे समझने के लिए हम इंसानों पर आते हैं, क्योंकि अगर हमारा सर कटता है तो बहुत खून निकलता है, जिससे हमारी जान चली जाती है। लेकिन कॉकरोचेस के अंदर ये दिक्कत होती ही नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी का सिस्टम बहुत ही अजीब है, और जब इनका सर कटता है तो इनका जख्म बहुत ही तेजी से भर जाता है। इसके अलावा हम इंसानों का सर कटने पर हमारी सबसे जरूरी चीज दिमाग हमारी बॉडी से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर किसी काम के नहीं रहते, और हम इंसान भी तो नहीं ले सकते। लेकिन कॉकरोच बिना सर के भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि सांस लेने का काम इन कॉकरोचेस की बॉडी में बने होल के जरिए होता है, जिसे स्पायरकल्स कहते हैं। अब दोस्तों इस मछली को देखो, जिसे किसी रेस्टोरेंट के किचन में बस किसी ऑर्डर बनने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शेफ इसे रिकॉर्ड किए बिना रह नहीं पाया, क्योंकि इस मछली की हालत तो आप देख सकते हैं, फिर भी ये ऐसी हिलती है कि जैसे इसमें अभी बहुत जान बाकी है। तो दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि आप भी इस वीडियो को देखकर शॉक जरूर हुए होंगे। दोस्तों मधुमक्खी भी उन कीड़ों में या फिर जानवरों में आती है जिनसे इंसान जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना चाहता है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये मछली या कॉकरोच की तरह सर काटने या फिर आधी बॉडी कट जाने के बाद भी जिंदा रहती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन इनका जो जहरीला हिस्सा होता है इनके पिछवाड़े पर, वो हिस्सा इन मधुमक्खियों के मर जाने के बाद भी कई घंटों तक एक्टिव रहता है, जिसे अगर आप छुएंगे तो आपको ये काट भी सकते हैं। तो इससे आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर आपको मरी हुई मधुमक्खी कहीं दिखे तो उसे हाथ में उठाना सही नहीं है। अब आपने रैटल स्नैक के बारे में तो काफी सुना होगा, क्योंकि इनमें कई खूबियां जो होती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखिए, जिसमें कई दोस्त एक रैटल स्नैक को तो पकड़े हैं, लेकिन उसके सर का अता पता नहीं, और इसी बात से लोग हैरान हैं कि सर ना होने पर भी इस सांप के अंदर अभी भी जान कैसे है। और जब कैमरा सांप के सर की तरफ जाता है तो ये नजारा देखने में थोड़ा डरावना भी था, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि सांप के सर में अभी भी जान है, और इसे छूने की गलती तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर को छूने पर ये आपको एकदम वैसे ही काटेगा जैसे ये आपको जिंदा रहने पर काट सकता है। इसकी बॉडी को देखिए, इसे जब दोबारा ये शख्स पकड़ने की कोशिश करता है तो बिना सर के ही सांप की बॉडी पर अटैक कर देती है। दोस्तों सालामेंडर के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते तो अब जान लो, क्योंकि इस वीडियो में जो कि एक टाइम लैप्स है, देख सकते हैं कि कैसे इस जीव के पैर के कट जाने के बाद भी ये अपने पैर को 90 दिनों में वापस से ग्रो कर लेता है,
जिससे हड्डी से लेकर मसल्स स्किन सब रहता है और ये जीव अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को हजारों बार दोबारा ग्रो कर सकता है। दोस्तों मगरमच्छों पर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अब इस वीडियो को देखिए जिसे नॉर्थ कैरोलिना में फिल्माया गया है। आप इसमें देख ही सकते हैं कि कैसे एक घड़ियाल बर्फ में जमा हुआ है। दोस्तों आप ये मत सोचना कि ये मगरमच्छ जम के मर गया है, क्योंकि ये इन मगरमच्छ की खराब से खराब मौसम में भी जिंदा रहने की टेक्निक है और इस प्रोग्रेस को हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसमें मगर सांस लेने के लिए अपनी नाक को बर्फ से बाहर रखता है और अपने दिल के धड़कने की गति को धीमी कर लेता है, जिससे इन्हें इतनी ठंड में भी गर्माहट मिलती रहती है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अगर कैचुए मतलब वॉर्म्स को दो हिस्सों में काट दो तो वो अलग अलग दो हिस्सों में ग्रो हो जाएंगे और दो अलग अलग वर्म बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पर ऐसा ही अगर आप इनकी पूंछ से थोड़ा सा हिस्सा काट दो तो ये दोबारा से अपने पूंछ को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इन वर्म की भी एक प्रजाति है जिन्हें फ्लैट वर्म कहा जाता है और इनकी काबिलियत दूसरे वर्म की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वो वर्म है जिन्हें अगर आप दो हिस्सों में काट दो तो ये दो अलग अलग वर्म बन जाएंगे, क्योंकि ये अपनी पूंछ के साथ साथ अपने सर को भी दोबारा ग्रो कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये वर्म तब भी जिंदा रहेंगे अगर आप इन्हें 10 से 15 पीस में भी काट दें, क्योंकि चाहे आप जो भी कर ले ये वर्म आपको मरने से इनकार जरूर कर देंगे। और एक यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं ने तो एक वर्म से ही 20,000 वर्म बना दिए थे। दोस्तों अब क्या आप जानते हैं, बहुत पहले एक मुर्गा था जिसका नाम माइक था, और इस मुर्गे की चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बिना सर के 19 महीनों तक जिंदा रहा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुर्गे का जो इनर ब्रेन होता है वो सर में नहीं बल्कि गर्दन में मौजूद होता है, जिससे अगर उनका सर कट भी जाए तो भी ये मुर्गा जिंदा रह सकता है और अपने रोजमर्रा के काम को भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना खाए पिए कैसे जिंदा रह सकते हैं, तो माइक नाम के मुर्गे को उसका मालिक लिक्विड चीजें खिलाता था। दोस्तों ऑक्टोपस को तो आप जानते ही हैं कि ये कितने अजीब जानवर होते हैं, लेकिन चीन कोरिया वियतनाम जैसे देशों में इन ऑक्टोपस को बहुत ज्यादा खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के मर जाने पर भी इनके टेंटिकल्स कई घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, और यही चीज इन ऑक्टोपस को खाने वाले लोगों को बहुत खलती है कि इन्हें छूने तक से ये टेंटिकल्स हिलने लगते हैं। और ऐसा होने की वजह यह है कि इन ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके ब्रेन में नहीं बल्कि इनके इन्हीं 8 हाथों में ही होता है, और यही वजह भी है इनके इन हाथों के मूव करने की। अब मधुमक्खियों की तरह इनकी प्रजाति के एक और जीव होती है मक्खी, जो कि सर कटने के बाद भी घंटों जिंदा रह सकती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मक्खी का सर उसके धड़ से दूर पड़ा है, लेकिन फिर भी मक्खी बिल्कुल वैसे ही हरकत कर रही है जैसे वो करती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन मक्खी का भी सारा मामला कॉकरोच से ही मिलता जुलता होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप कछुए के सर को काट दें तो कछुए की बॉडी फिर भी 2 दिनों तक जिंदा रह सकती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कछुआ दिल का होता है उसमें पेसमेकर सेल पाए जाते हैं, जो दिल का ब्रेन से कॉन्टेक्ट न होने पर भी दिल को धड़कने में मदद करता है। अब जैसे कि कछुए को देखो जिस पर मगरमच्छ ने हमला करके इसका सर खा लिया है, लेकिन फिर भी 2 घंटे बाद भी ये कछुआ जिंदा है। अब बात करते हैं जेलीफिश की, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि इनकी बॉडी का 75% हिस्सा पानी का बना हुआ होता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये अमर होती है, और तो और अगर ये मर भी जाए तब भी ये जिंदा रहती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये मछलियां बुढ़ापे से जवानी और जवानी से बचपन में वापस ले जा सकती है, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन सच है। इसी मेथड का यूज करके ये हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहती है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।